सुबह के 4:15 हो रहे हैं और मैं जा रहा हूँ मंडू। मांडू इंदौर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर धार जिले में स्थित है। समुद्र तल से 600 मीटर की हाइट होने की वजह से मांडू पहुंचने के लिए आपको टेढ़े मेढ़े रास्तों और लगभग 7 गेटों को पार करना पड़ता है। ये मांडू की सबसे पॉपुलर प्लेस है जहाज महल। जहाज महल का टिकट एक व्यक्ति का 25 रुपये का होता है। महल के इतिहास और फैक्ट को और करीब और गहराई से जानने के लिए आप चाहें तो गाइड ले सकते हैं जो आपको महल के बाहर ही मिल जाएंगे। वो लगभग 400 रुपये पर ग्रुप चार्ज करेंगे और अगर पैसा ना हो तो आप मेरी तरह घर से पढ़ के आ सकते हैं। अब थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। इस महल को खिलजी वंश ने 1469 से 1500 ईस्वी में बनवाया था। इस लेक का नाम मुंड तालाब है जो जहाज महल से बाईं ओर है और इस लेक का नाम है कपूर तालाब जो जहाज महल के दाईं ओर है। जहाज महल दो कृत्रिम झीलों कपूर तालाब और मुंड तालाब के बीच में है। दूर से देखने पर जहाज महल को ऐसा लगता है कि जैसे ये पानी के बीच में तैर रहा हो, इसलिए इसको जहाज महल का नाम दिया गया। मांडू शुरू से ही बहुत पुरानी और सुरक्षित सत्ता मानी जाती है। यही कारण है कि खिलजियों ने यहाँ अपना हरम रखने की सोची होगी। दोस्तों, यह है रूफटॉप स्विमिंग पूल जिसमें बरसात का पानी आता था और ये ओवरफ्लो के माध्यम से नीचे के स्विमिंग पूल में चला जाता था। खिलजियों के पहले यहाँ कई हिंदू राजाओं का शासन रहा जिसमें परमार मुख्य हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं मांडू की एक और खूबसूरत प्लेस के बारे में जिसका नाम है हिडोलना महल। इस महल का उपयोग झूला झूलने के लिए किया जाता था। टी शेप में बने इस महल में कोई छत नहीं है और इसकी दीवारें 60 डिग्री अंदर की तरफ झुकी हुई हैं। इस महल का निर्माण परमार वंश ने शुरू किया था और आखिरी में मुगल्स ने इसको कंप्लीट करवाया था। हिंडोला महल घूमने के बाद हम बढ़े चंपा बाबड़ी की ओर। चंपा बाबड़ी लगभग 3 मंजिल पानी में डूबी हुई है। चंपा बाबड़ी को पूरा घूमने के बाद मैं गए नहर झरोका की ओर और यह है इंडिया का इकलौता एयर थिएटर उस टाइम का जो मांडू में स्थित है। यहाँ पर चेंजिंग रूम और बैकग्राउंड चेंज करने के लिए ग्लासेस का अरेंजमेंट किया जाता था। इसके बाद गए हम वातानुकूल रूम्स की ओर। लेक से सटे और तल से 2 फ्लोर नीचे होने के कारण ये रूम वातानुकूलित रहते थे। यही वो लेक है जिसकी वजह से रूम्स को क्रॉस वेंटिलेशन मिलता था। नहर झरोका घूमने के बाद जब आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको जल महल मिलेगा। अब वक्त आ गया है टाइम लैप्स बनाने का। इतना सब कुछ घूमने के बाद मैं गया खाना खाने। खाना खाते टाइम ब्लॉग नहीं बनाया तो फिर क्या किया। अब हम आ गए हैं रूपमती महल। इसके पीछे एक कहानी है, आपने सुनी क्या? चलो मैं सुना देता हूँ। रूपमती धर्म से हिंदू थी और वो नर्मदा के दर्शन किए बिना खाना पीना नहीं खाती थी। बाज बहादुर अकबर के समय मांडव क्षेत्र का सेनापति था। रूपमती उनकी प्रेमिका थी। ये काफी ऊंचाई पर है इसलिए हर राजा इस महल का उपयोग अपने राज्य की सुरक्षा के लिए करता था। अगर आप देख पा रहे हो तो वो रहा बाज बहादुर का महल। अब हम आ गए हैं बाज बहादुर के महल में। रूपमती और बाज बहादुर महल देखने के लिए आपको एक पर्सन का 25 रुपये का टिकट लेना होगा। बाज बहादुर म्यूजिक का बड़ा शौकीन था मेरी तरह। इस महल को संगीत सुनने के हिसाब से ही बनवाया गया था 1508 में। आदम खान की सेना ने जब बाज बहादुर पर अटैक किया तो बाज बहादुर की हार हुई और फिर रानी रूपमती ने पॉइजन खा लिया और इनकी कहानी यहीं ख़त्म हो गई। जब आप मांडू आए तो यहाँ एक खास प्रकार की इमली मिलती है, वो आप ज़रूर ट्राई करें। ये रेवा कुंड है, यहाँ हमेशा पानी रहता है। मौसम खराब होने की वजह से जब रूपमती नर्मदा के दर्शन नहीं कर पाती थी तो वो रेवा कुंड के दर्शन करती थी। रेवा कुंड देखने के बाद हम बढ़े जामी मस्जिद, अशरफी महल और होसंगसा के मकबरा की ओर। जामी मस्जिद में भी आपको 25 रुपये का पर पर्सन का टिकट लगेगा और ये है जामी मस्जिद की गुंबजें जो बहुत ही ज़्यादा ऊँची हैं। जामी मस्जिद देखने के बाद मैं गया होसंगसा के मकबरे की ओर जो जामी मस्जिद के जस्ट पीछे है। ये है होसंगसा का मकबरा जो प्योर संगमरमर से बना हुआ है। इसके चारों तरफ गार्डन है।
ये बहुत ही खूबसूरत है और जब आप इस मकबरे में जाएंगे और कुछ भी बोलेंगे तो आपको अपनी आवाज़ रिपीट होती सुनाई देगी। अगर आपने ग्लेडिएटर मूवी देखी होगी तो आप समझ जाएंगे कि ये सीन उसमें है। हुसैन शाह का मकबरा घूमने के बाद मैं गया अशरफी महल जो जामी मस्जिद के ठीक सामने है। इसे विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के साथ मांडू की ट्रिप ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।